हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 न्यू ट्रिक्स। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 से इसको करने के लिए आपको आना पड़ेगा स्नोफॉल में, और इसको करने के लिए आपको 2 ग्लोल की जरूरत पड़ेगी। और ट्रिक करते करते मैं आपको बता दूँ, मेरे हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। जो भी इसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट करता है, उसकी कमेंट में पिन कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में भी 1 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन में पूछ लूँगा। जो भी उसका आंसर सबसे पहले सही देगा, उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर 2 ग्लोल सेट करने, फिर यहाँ पे जंप करना है पेड़ के ऊपर, और आप इजीली इस पेड़ के ऊपर आ सकते हो। और ग्लोल आपको स्टैचू के थोड़ा सा नज़दीक में ही सेट करना है, जिससे आप इजीली उस पर फिर चढ़ पाओ, और फिर आप इस पेड़ के ऊपर इजीली आ सकते हो। और इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे हाइडिंग प्लेस है, आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो। यहाँ पर आपको एनिमी बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, आपको यहाँ पर अच्छे से कवर मिल जाएगा। और अगर नीचे से एनिमी आता भी है तो आप उसको इजीली किल कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर बैठकर इजीली कैंप वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस हैं, और नीचे आप इसी रास्ते से आना, इससे आपको कम से कम डैमेज पड़ेगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। और ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको आना है डॉक में, और यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा एक कंटेनर। आप पहले अच्छे से यहाँ पर लोकेशन देख लो, यहाँ पर आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सामने जो प्लस का आइकन है, आपको इसी को अच्छे से देख लेना है कहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंटेनर है, इसलिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। सामने आप देख ही सकते, यहाँ पर छोटा सा ब्रिज है लकड़ी का बना हुआ, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये ब्लू कलर का कंटेनर, इसी के अंदर आप जा सकते हो और यहाँ पर कैंप वगैरह कर सकते हो। और आप इसके आर पर इजीली निकल सकते हो, आपको नेट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी निकल सकते हो। और यहाँ पर अब मेरा फ्रेंड अंदर जाएगा, और आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो वो अंदर जा चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि इस साइड से आपको एनिमी देख पाएगा, तो आप टोटली गलत हो। इस साइड से भी आपको एनिमी नहीं देख पाएगा, पर आपको क्राउच करके नहीं बैठना है, यहाँ पर खड़े ही बैठना है, तो फिर आपको कोई भी यहाँ पर नहीं देख पाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप इजीली अपने रैंक को पुश कर सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। और ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए भी आपका यहाँ पर डॉक में आप लोकेशन भी अच्छे से देख ही सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइड में आना है बिल्कुल कॉर्नर पर, फिर यहाँ पर पहले तो इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाना है, फिर यहाँ पर आके एक बार स्कोप खोलें और एक जंप करना है, और फिर आपको लेफ्ट में इस तरह से जंप करना है, फिर आप इसके ऊपर आ जाओगे। और यहाँ पर आने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बैठना है, चाहो तो प्रोन करके बैठो, जैसे भी बैठो यहाँ पर कैंप वगैरह कर सकते हो। और आज का क्वेश्चन ये है कि मैं इस प्लस के ऊपर आया, मैंने कितने ग्लोल यहाँ पर यूज़ किए। मैं आपको बता दूँ, मेरा टीममेट यहाँ पर हेल्प नहीं किया, मतलब उसने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्लोल यूज़ किया। आपको बताना है कितने ग्लोल यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो आई होप आप आंसर दे दोगे, जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर। और ट्रिक नंबर 4 को करने के लिए आपको यहाँ पर रिवर माउथ में सामने आपको एक लॉन्च पैड दिख रहा है, इसी को आपको यूज़ करना है। तो लॉन्च पैड को आपको किस तरीके से सेट करना है, सामने आपको दिख रहा होगा एक टावर, आपको सिंपली इसी के ऊपर एम करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, बस आपको सामने वाला इसका एम देखना है, बिल्कुल वो जो है टावर के ऊपर होना चाहिए, फिर आपको लॉन्च पैड को लॉन्च कर देना है। पहले तो लॉन्च पैड को अच्छे से सेट करना, पूरा एम इस टावर के ऊपर ही रखना है, फिर यहाँ पर लॉन्च पैड को लॉन्च करना है, और फिर आप आ जाओगे टावर के ऊपर। और अगर आपको यहाँ पर कैंप वगैरह करना है, फिर आप नीचे ही जाना, पूरा ऊपर नहीं बैठना। अगर आप यहाँ पर बैठोगे तो यहाँ पर आपको कोई किल कर सकता है, बट अगर आप यहाँ पे प्रोन करके बैठोगे फिर आपको कोई भी किसी भी साइड से नहीं मार पाएगा, ना ही कोई देख पाएगा। और यहाँ पर बैठकर इजीली कैंप वगैरह कर सकते हो, चाहो तो एनिमीज़ को भी किल कर सकते हो। और नीचे जंप करने पर आपको यहाँ पर पड़ेगा 190 का डैमेज, जो कि हमें हर जगह पड़ता है, आपको पता होगा। और यहाँ से जंप करने के बाद अभी आपको फिर से 5 या 10 का डैमेज पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नीचे उतरना है, फिर आप इजीली नीचे भी आ जाओगे। चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर। और ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए आपको आना है इस पेटी के पास, येलो वाली पेटी के पास, जिसमें से हमें लूट मिलती है। तो आपको सिंपली पहले तो इसके ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे इसके ऊपर आपको लैंडमाइन सेट करना है। और अगर आपके पास 2 लैंडमाइन हो तो आप दोनों सेट कर सकती हो। और जैसे आप यहाँ पर लैंडमाइन सेट करोगे, आपका लैंडमाइन यहाँ पर पूरा हाइड हो जाएगा, बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर किसी भी साइड से आपका लैंडमाइन नहीं दिखेगा। और जैसे यहाँ पर बंदा इसके नज़दीक जाएगा इसको लूटने, वो यहाँ पर खुद ही लूट जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर नॉक हो जाएगा, और इस तरीके से आपको फ्री में किल मिल सकता है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 6 की ओर। और ट्रिक नंबर 6 को करने के लिए आपको यहाँ पर सुनो फॉल में, यहाँ पर भी आपको एक लॉन्च पैड दिखता है, इसको आपको यूज़ करना है। और लॉन्च पैड को आपको राइट की ओर रखना है। पहले यहाँ पर अच्छे से देख लो कैसे मैंने यहाँ पर लॉन्च पैड को सेट किया है। यहाँ पर आपको छोटी सी ये टहनी दिख रही होगी, इसी के नीचे आपको एम रखना है, फिर यहाँ पर लॉन्च पैड को यूज़ करना है। बट आप पहले अच्छे से देख लेना कैसे मैंने यहाँ पर लॉन्च पैड को सेट किया था, क्योंकि ये वाली ट्रिक जो है पहले वाली ट्रिक से थोड़ी सी हार्ड है। तो फिर आप आ जाओगे इस टावर के ऊपर, और यहाँ पर बैठ कर भी आप इजिली कैंप वगैरह कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर एनिमीज़ को भी किल कर सकते हो। और अगर आपको कैंप करना है, फिर यहाँ पे प्रोन करके बैठना है, फिर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। और नीचे उतरने के लिए आपको सिंपली इस तरह से स्कोप खोलना है, फिर यहाँ पे नीचे इस तरह से धीरे धीरे जंप करना है। अगर आप डायरेक्ट नीचे आओगे तो आपको 190 का डैमेज पड़ेगा,
बट अगर आप इस तरह से धीरे धीरे नीचे आओगे फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 20 का डैमेज पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन यही है कि टोटल मुझे यहाँ पर नीचे आने पे कितना डैमेज पड़ा। और जो भी इन दोनों क्वेश्चन में से सबसे पहले किसी का भी आंसर देगा उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 7 की ओर। और ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको आना है इस ब्रिज के पास। और मैं ये लोकेशन इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये ब्रिज जो है बहुत सारे जगह पे है, तो आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे इस ट्रिक को कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है ब्रिज के ऊपर, फिर यहाँ पे बैठना है इस टनल में, और आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पर बैठ सकते हो। चाहो तो प्रोन करके बैठो या क्राउच करके बैठो, दोनों तरीके से आप यहाँ पर हाइड हो जाओगे। और अब मेरा फ्रेंड अंदर है और आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो, वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मैं आपको थोड़ा सा दूर से भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, और ना ही इस साइड से आप दिखोगे ना ही उस साइड से दिखोगे। चाहे एनिमी कितना भी दूर से देख ले, आपको कोई भी यहाँ पर नहीं देख पाएगा। और यहाँ पर बैठकर भी इजीली आप कैंप वगैरह कर सकते हो। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 8 की ओर। और ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए भी आपको चाहिए पेटी, येलो पेटी जिसमें हमें लूट मिलती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस तरीके से एम करना है, हैंड कैनन को हाथ में रख के यहाँ पर इस तरीके से एम करना है, फिर यहाँ पर इसको फेंक देना है। और जैसे आप यहाँ पर इसमें से लॉन्चर फेंकोगे आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास ही फट रहा है फिर भी मुझे डैमेज नहीं पड़ रहा। और नॉर्मली अगर आप ट्राई करोगे किसी भी वॉल वगैरह पे तो आपको डायरेक्ट डैमेज पड़ेगा। और ये फ्रेंड के उसे और भी अच्छे से दिखता है क्योंकि अपने व्यू से अच्छे से उतना नहीं दिखता। और जैसे यहाँ पर आपका फ्रेंड इसको यूज़ करेगा आपको सीधा दिखेगा कि लॉन्चर जो है वापस आ रहा है। चलते हैं 9th ट्रिक की ओर। और इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपका यहाँ पर फ्यूजन में सामने आपको दिख रहा होगा एक स्टैचू, इसी के सामने आपको जाना है। तो आप मैप पे भी लोकेशन अच्छे से देख सकते हो, सामने आपको ब्लू कलर का एक हाउस दिख रहा है, इसी के सामने आपको आना है। तो यहाँ पर ये जो कवर जैसी कुछ है मुझे नहीं पता ये क्या है, तो इसी के पास जाना है, फिर यहाँ पर सिंपली लूट को ड्रॉप करना है। और जैसे आप यहाँ पर लूट को ड्रॉप करोगे आपकी सारी की सारी लूट ड्रॉप हो जाएगी, मतलब हाइड हो जाएगी। बट इसमें थोड़ी सी लूट पहले से होनी चाहिए, अगर इसके बीच में मतलब थोड़ी सी लूट पहले से है फिर आप लूट ड्रॉप करोगे वो सारी की सारी हाइड हो जाएगी। और इसमें जो भी लूट होगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं लूटनी, अगर आपने उसको लूट लिया फिर आप कितनी भी लूट ड्रॉप करोगे आपकी ट्रिक नहीं होगी। तो इसमें जो लूट है उसको रहने देना है, फिर यहाँ पर अपनी लूट ड्रॉप करनी है, फिर आपकी सारी की सारी लूट यहाँ पर हाइड हो जाएगी। चलते हैं ट्रिक नंबर 10 की ओर। और इस वाली ट्रिक को करने के लिए भी आपको आना है येलो वाली पेटी के पास। और यहाँ पर क्या करना है, इस बार आपको ग्रेनेड फेंकना है। और जैसे आपका ग्रेनेड वापस आएगा यहाँ पर आपके पास फटेगा, आपको डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप जितने चाहो यहाँ पर यूज़ करो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ने वाला। और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस ट्रिक को दिखा सकते हो, उनको सरप्राइज कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका ग्रेनेड है वो अगली साइड में फटता है, मतलब आप इस साइड में देख सकते हो ये वापस आ रहा है बट एक्चुअली में उस साइड में फट रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको फेंक रहा हूँ मैं उस साइड में जाऊँगा, मुझे यहाँ पर 100% डैमेज पड़ेगा। और फ्रंट के वजह से भी और भी अच्छे से दिखता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।